नमस्ते दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज मैंने अपना ब्लॉग अपनी पूजा से स्टार्ट करी है। बस माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे और आज भी मैं अपना पूरा दिन का शूट करूंगी और आपके साथ रहूंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और बस पूजा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई और किचन में मैं अपने लिए थोड़े मखाने भून रही हूँ क्योंकि मेरा फास्ट है। और इधर मैं चाय बना रही हूँ, हस्बैंड को चाय दे चुकी हूँ, ये मेरा चाय है, मैं इसे थोड़ा छान लेती हूँ और बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पूजा करके जस्ट अभी बैठी हूँ और थोड़े से मखाने और चाय लेके इसके बाद सीधे किचन में जाऊंगी और अभी देखती हूँ कि क्या बनाना है। मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठी मैं क्योंकि आज स्कूल नहीं था बच्चे का, तो मैंने कहा चलो आराम से सोते हैं। लेकिन उठने के बाद सीधे फिर विनी का काम हो जाता है, फिर उसके सारा वो घर का काम करना होता है, फिर दीदी आ गई जो हमारे घर पर दीदी है। तो ऐसा करते 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 हमें 11:30 बज गया। तो बस जैसे कि बैठ के चाय और मखाने लेके खा के और उसके बाद अभी किचन में जाते हैं। देखते क्या होता है। तो दिन भर बिजी रहने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ और मुझे आज ये मसाला तैयार करना था जो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं किचन में बहुत, मतलब मैं घर पे सफाई में बहुत बिजी हो गई थी और आज मैंने अपने बेटे का कमरा साफ किया तो उसमें मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ये मसाला तैयार करना है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मैं आपके साथ शेयर भी कर लूं। तो मैंने इसमें डाला है धनिया, मतलब 2 कप धनिया डाला है और 1/2 कप मैंने जीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची, ज्यादा नहीं, 5 से 7 इलायची या फिर 10 भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये काली मिर्च और इसको बहुत ज्यादा भुनना नहीं है, बस हमें इसे गर्म करना है। और ये थोड़े से लौंग, ये सारी चीजें ना गर्म होती है दोस्तों, तो ये मतलब कि ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पड़ेंगी। मैंने 5 से 7 लौंग डाल दिया है। अब ये क्या है ना कि मैं मसाला बनाकर रख दूंगी तो जितने दिन मेरा व्रत का खाना बनेगा तो मैं उसमें इसे यूज करूंगी। और वैसे भी नॉर्मल में भी मैं यही मसाला यूज करती हूँ, प्लस ऐड होता है वो लहसुन प्याज, लेकिन मसाला जो बेसिक मसाला होता है वो यही होता है। तो ये मसाला आप भी बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है और इसका स्वाद बिल्कुल, मतलब होममेड मसाला मार्केट के मसाले से तो काफी बेहतर है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब बस ये गर्म हो गया है तो बहुत ज्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करके हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। लाल मिर्च डालना मैं भूल गई थी, तो थोड़े से लाल मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना कि लहसुन प्याज आप नहीं डालते हो लेकिन थोड़े से स्पाइस और वो रहता है तो थोड़ा चटपटा लगता है खाने में, तो इसलिए मैंने, आप अगर लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बस अब मैं इसे पीस लूंगी थोड़ा ठंडा होने के बाद। जार में डाल लिया है, अब मैं इसे पीस लूंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और या और ध्यान रखिएगा कि धनिया की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जीरे की उससे कम होगी और बाकी जो गरम मसाले होते हैं वो थोड़े थोड़े आप डालिए अपने हिसाब से। तो ये देखिए कितना अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है, मैं यही मसाला यूज करती हूँ और मैं आराम से मेरा 1 महीना चल जाता है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा जरूर। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, मतलब फटाफट से मुझे याद आया कि अरे मसाला तैयार करना है, फट से कढ़ाई चढ़ाई मैंने, धनिया और ये सब डाला और सब पीस लिया और ये मसाला बनकर तैयार। तो क्यों हम खाएं मार्केट का मसाला, है ना। चलिए ट्राई कीजिएगा जरूर। तो फटाफट से मैं बता दूं कि मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्जी, जो व्रत के लिए बनाने जा रही हूँ। सिंपल सब्जी है, बहुत ही क्विक बन जाता है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो इस सब्जी को हम बनाएंगे कुकर में, तो मैंने कुकर गैस पे चढ़ा लिया है, अभी इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसमें आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि व्रत का खाना भी बनता है तो आप घी में भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैंने सरसों तेल डाला है। तो इसमें बस हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, साबुत जीरा, कड़ 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 की आवाज आ रही है, जीरा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, इसे तोड़ के डाल दें, ये साबुत जैसे भी। इसमें डालेंगे हम चुटकी भर हींग, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा इन सब चीजों को पका लेंगे। अब ये है, दिख रहा है आपको, ये है ग्रीन चिली, अदरक और टमाटर, इन सबको हम इसमें डाल देंगे।
टमाटर को थोड़ा सा पका लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को आप कम कर दीजिए, थोड़ा ढक देंगे हम इसे। तो एक दो बार मैंने इसे बीच में चलाया था और टमाटर थोड़ा गल भी गया है, तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े टमाटर थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक चम्मच से आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, और ये जो मैंने मसाले बनाए थे, ये मसाले जो अभी अभी मैंने तैयार किए हैं, वो हम इसमें एक चम्मच डाल देंगे, एक से डेढ़ चम्मच बहुत है, क्योंकि थोड़ा मसाला हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि प्याज लहसुन तो हम डाल नहीं रहे, तो और ग्रेवी जो है हमारी सब्जी में, जो ग्रेवी है वो टमाटर और इसी मसाले से तैयार होगी, तो इसलिए, और इसे हम चला लेंगे। ये सब्जी इतनी फास्ट बनती है ना, बहुत फास्ट बनती है। वैसे लौकी की सब्जी जो है ना दोस्तों, मैं बहुत तरह से बनाती हूँ, मतलब तीन चार तरह से बनाती हूँ, जिसमें प्याज वाला भी बनाती हूँ, लेकिन प्याज वाला मैं बहुत कम बनाती हूँ। प्याज वाला मैं तभी बनाती हूँ जब मैं लौकी का कोफ्ता बनाती हूँ, अदरवाइज मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि कभी भी आपका जब मन ना करे खाने का, प्याज लहसुन हैवी खाना ना हो, तो आप ये सब्जी बना सकते हैं, काफी सिंपल और काफी अच्छी बनती है। तो अब क्या है कि मसाला टमाटर थोड़ा भुन गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम सेंधा नमक डाल देंगे, ये रॉक सॉल्ट है, एक चम्मच सेंधा नमक, और बस इसे चला लेंगे। अब ये मसाला भून चुका है, क्या करेंगे कि ये जो हमारी लौकी है, यानी कि घिया, घिये की सब्जी, ये हम घिया डाल देंगे इसमें सारा। विनी के भौंकने की आवाज आ रही है आपको? विनी कहाँ हो तुम, इधर आओ। मतलब ढक्कन लगा देंगे, तो एक बार इसे, एक दो बार मैंने इसे बीच में भी चलाया था, और अच्छे से मसाले के साथ लौकी जो है उसको भून लेना है। अच्छा, इसमें ना दोस्तों हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, या अगर आपको लगे कि लौकी बहुत सूखी है या उससे पानी नहीं निकल रहा है और बहुत ड्राई है, तब आप थोड़ा सा डाल दीजिए, अदरवाइज थोड़ा सही से। लौकी टमाटर के साथ और मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनकर इसमें हम पानी डालेंगे। मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं डालती, थोड़ा सूखा ही रखती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मेरा व्रत है और मुझे ग्रेवी की सब्जी खाने का मन है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी, अदरवाइज आप जैसा मर्जी, अगर आप चाहें तो इसमें पानी डालिए, चाहें तो नहीं डालिए, क्योंकि लौकी जो है अपने आप में ही पानी बहुत छोड़ता है, तो इस वजह से इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, सब्जी बनकर तैयार। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, करीब आधा गिलास मैंने पानी डाला है, गिलास मेरा बड़ा था, लेकिन अगर आप नॉर्मल एक गिलास हो तो उसे आधा गिलास पानी डाल दीजिए। ये कुकिंग का बेस्ट पार्ट होता है ना दोस्तों, इस तरह से पानी डाल के एकदम से ये कलछुल वलछुल एकदम धो धा के डालो, ये एक कुकिंग का पार्ट होता है, और ये इसके बिना कुकिंग अधूरा है। अब ढक्कन बंद कर देते हैं, गैस को पूरे फुल पे रखा है हमने,
और इसे मैं एक से दो सीटी, मतलब एक सीटी बहुत है, तो सब्जी बनके तैयार हो जाएगी हमारी। बस एक से दो सीटी, उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। सब्जी बनके तैयार है और इसे हम मतलब कुकर के ढक्कन को ठंडा होने तक हम बंद ही रखेंगे, अभी खोलेंगे नहीं, उसी प्रेशर में सब्जी पक जाएगी हमारी। तो फटाफट से रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ। रोटी बनाना भी ना दोस्तों अपने आप में एक आर्ट है। सब अच्छी रोटियां नहीं बनाते, मतलब रोटी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन एक परफेक्ट रोटी जो बनाना होता है उसका टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि आप उसको बहुत अच्छे से गूंथिए और थोड़ा सा आटे को रेस्ट दीजिए, कम से कम 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दीजिए और इसको अच्छे से गूंथिए। हल्का हल्का पानी लेके गूंथना है अच्छे से। तो आटे को अच्छे से गूंथ लिया है, अब बस इसे मैं देख रही कितना मुलायम है और इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद मैं इसे बनाऊंगी। दोस्तों मैं किचन में खाना बना रही हूँ और अब विनी को देखिए कैसे मुझे देख रही है। ओ मेरा पापू, कोई नहीं खेलता विनी के साथ, I'm so sorry। एक्चुअली ऐसे ही ग्रेवी चाहिए थी अभी खाने के लिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी आप कम डाल के आप सूखी भी बना सकते हैं, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसे मैं पराठे या रोटी के साथ खाऊंगी। गर्मा गर्म रोटी तैयार है खाने के लिए। तो फाइनली सुबह की मेहनत मशक्कत के बाद अभी खाने बैठी हूँ लौकी की सब्जी और पराठे। मेरे बेटे ने रोटी खाई क्योंकि उसको पराठा पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लौकी की सब्जी के साथ पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया है। और ये लौकी की सब्जी जो मैंने बनाया अभी चटपटा, और जो मैंने आज मसाला तैयार किया ना दोस्तों उसी से मैंने ये सब्जी बनाई, परफेक्ट बनाया। नमक और मैं एकदम नमक का भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है कॉम्बिनेशन। अभी शायद मैं थोड़ा नीचे भी जाऊंगी। अभी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई, मैं खाना खा रही थी और सब्जी खाते खाते पूरा ही मेरे पजामे पे गिर गया, और वो हुआ इसलिए क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से खा के शूट कर रही थी। तो ब्लॉगिंग में तो यही होगा, नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो ये सब तो होगा ही, पर मैं हार नहीं मानूँ, चाहे सब्जी गिरे चाहे कुछ गिरे ब्लॉगिंग तो मुझे करनी है। मुझे लगा कि मुझे वो शूट करना चाहिए था कि कैसे सब्जी गिरी, मैं हड़बड़ा गई, अरे ये क्या हो गया। बहुत अच्छा, जैसी चटपटी सब्जी मुझे खाने का मन कर रहा था वैसी ही बनी है, ट्राई कीजिएगा जरूर। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आपको दूसरे दिन का भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितने भी हम लोगों ने बातें की जितना भी साथ रहे वो आई थिंक बहुत ही अच्छा। अपना कमेंट भी दीजिए कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग, और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी प्यारी फैमिली है हमारी यूट्यूब, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ी और बड़ी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर लीजिए। क्या बाय, लव यू। आज तुम्हारा खिलौना चप्पल है, आज चप्पल से खेलोगी? आज बॉल कहाँ है तुम्हारा, आज चप्पल से खेल रही हो बिट्टू? चलो ठीक है खेल लो। मैंने बोला ना बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा नमक मैंने आलू और परवल को भूनते टाइम डाला था, अब हम थोड़ा सा इसमें भी डाल देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें आलू परवल डाल देंगे। ये सब्जी इतनी अच्छी लगती है ना कि मुझे प्याज वाली भी उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी मुझे ये सब्जी लगती है। अच्छा इसको आप कुकर में भी पका सकते हैं, मतलब कुकर में भी डाल सकते हैं और कढ़ाई में भी, अगर आपको फास्ट बनाना है
तो आप इसे कुकर में डाल दीजिए, अदरवाइज आप कढ़ाही में भी बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सोसाइटी में जो भीड़ है, एक्चुअली भंडारे का प्रसाद मिल रहा है जिसमें पूड़ी सब्जी चना और वो सब। आज सप्तमी है तो आज सप्तमी से भंडारा शुरू हो गया और ये अभी 3-4 दिन तक चलेगा, दसवीं तक। तो बस लोगों में इतना उत्साह है कि जैसे ही प्रसाद मिलना शुरू हुआ बस भीड़। मैं तो प्रसाद ले आई और सोसाइटी में काफ़ी रौनक है, आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी बालकनी से लोगों को इस तरह से इंजॉय करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको इंजॉय कर रही हूँ अपनी बालकनी से देखकर, क्योंकि मैं अपना प्रसाद ले आई, मुझे तो खाना नहीं था और मैं एक टाइम खाऊंगी रात में सेंधा नमक वाला खाना। तो ये तो नॉर्मल नमक का बना होता है, वैसे है तो ये भी प्रसाद, बट मैं नहीं खाऊंगी अभी। मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के लिए ले आई। प्रसाद काफ़ी टेस्टी था और प्रसाद तो वैसे भी टेस्टी होता है, अगर आप कुछ प्रसाद कह के घर में भी बनाओ कुछ भोग लगाने के लिए या माता के नाम पे या फिर, तो मतलब उसका टेस्ट अलग ही होता है, अलग लेवल का होता है, तो वो तो कहने की बात ही नहीं है। तो आप पीछे देख सकते हैं इस तरह से मज़ा आ रहा है ना। और ये 3-4 दिन इतनी रौनक रहती है ना कि जब दशहरा दसवीं होता है तो सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा ना सुना सुना सा लगने लगता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट खुशी इस बात की होती है कि फिर नेक्स्ट दिवाली आने वाली है ना। तो बस बैक टू बैक अभी तो फेस्टिवल आ ही रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपसे मैं बातें कर रही हूँ तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। चलिए।